सोचा हम लोग, मामला हमारा यही था दीपावली के दिन जो है जयनारायण बनवास बुलाया था 8-10 थे और अनिल और हम जो घर में अपने जो हल गए लोग जो हमारे को मुहारे चढ़ के हमारे औरत के गाली गुप्तारी दिए। उसके बाद एक लोग पकड़ा गए, उस दिन भी पकड़ा गए तो सर जो है मैं जो है मेरे घर वाले मुझको बंद कर दिए, मैं उसको मारने के लिए आए थे। आज क्या हुआ? आज सर मैं कोतवाली में अप्लीकेशन देकर आ रहा था और कोतवाली में पुलिस वालों से हाथ जोड़ के मैं बोला सर अभी मैं अप्लीकेशन देकर जा रहा हूँ, मुझको जान से मार डालेंगे। ये लोग बोले कि आप चलिए मैं आ रहा हूँ। शाहगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ताका पश्चिम के पूर्वा शिवपुर का मामला था, जिसमें दो गौड़ परिवारों के बीच में आपस में एक पुरानी जमीनी रंजिश जिसमें खम्भे गाड़ने को लेकर विवाद था, उसको लेकर के इन लोगों में आपस में पहले झगड़ा हुआ। तो दोनों पक्ष की तरफ से गांव के कुछ यादव समाज के लोग भी जुड़ गए और पहले जो है इन लोगों ने पन्नालाल गौड़ के साथ मारपीट की, फिर पन्नालाल गौड़ ने भी लोगों को बुला लिया तो उनकी तरफ से जयनारायण गौड़ के साथ मारपीट की। पन्नालाल गौड़ और उनकी पत्नी शीला ने जो है कुछ लोगों को इकट्ठा करके सड़क पर जाम भी लगा दिया था, जिसको लेकर के पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। इन लोगों के तहरीर पर इनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं और पुलिस जो है जाम लगाने का भी मुकदमा लिख रही है और उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष से कितने लोग घायल? घायल तो बहुत मामूली सी चोट है, ज़्यादा चोट नहीं है। ये पन्नालाल गौड़ और जयनारायण गौड़ को थोड़ी थोड़ी चोटें आई हुई हैं और उनकी पत्नी जो पन्नालाल गौड़ की शीला है उनको थोड़ी चोट आई है। गिरफ्तारी भी सर किसी की? हाँ, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पन्नालाल गौड़ की और जयनारायण गौड़ की।